मार देगी और कुछ नहीं करेगी ये। देखो एक मर भी गई। कौन ये देखो कौन पेड़ी लेटी। इसके लिए तुमने कितने आंसू बहाए। माय गॉड। पापा देखिए ऐसे इसको पकड़ के ऐसे करके ऐसे बताइए। हे गाइस गुड मॉर्निंग। काशवी स्कूल से आ चुकी है तो हम अभी करने जा रहे थे ब्रेकफास्ट। तो इसने बोला कि आज इसे चॉपस्टिक से ही खाना खाना है और ये खुद भी खा रही है और अपने पापा को भी सिखा रही है कि चॉपस्टिक से कैसे खाया जाता है। एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस की है कि बच्चे जो होते हैं ना अगर उन्हें कुछ भी सिखाया जाए तो बहुत जल्दी लर्न करते हैं। देख रही हो कैसे दबा दी है उसको पूरा। काशवी को पढ़ रही है डांट क्योंकि ये दोनों पापा बेटी मिलकर आज एक्वेरियम साफ कर रहे हैं। जब भी दोनों साथ में कुछ भी करते हैं ना तो ये लोग लड़ते ज़रूर हैं। वो सुन नहीं रही है वो समझा रहे हैं तो डांट तो पड़नी है इसे। इस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे डर लगता है फिशेस को छूने में उन्हें निकालने में। बट शी इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। वो आराम से निकाल लेती है। गाइस तो आप ये जो सबसे अलग फिश दिख रही है ना ये आप जानते हैं ये जो फिश है ना वो बहुत सारी फिशेस का मतलब मार दिए तो इसलिए हम लोग इसको अलग रखते हैं। और गाइस इसको ना फाइटर फिश बोलते हैं। ये दोनों काम कर रहे हैं और मैं मस्त इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक्वेरियम साफ होने के बाद इतना प्यारा दिख रहा है बिल्कुल क्लीन। समय आ चुके हैं मेट्रो में कुछ शॉपिंग करनी थी दिवाली की और इस बार हमने ये डिसाइड किया है ना कि हम जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो इंडियन ब्रांड के ही खरीदने वाले हैं। तो वी आर गोइंग फॉर इंडियन प्रोडक्ट ओनली। बट यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे हमें जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था वो बहुत कुछ खास मिला नहीं। सो वी डिसाइडेड कि हम जो है यहाँ पे शॉपिंग नहीं करेंगे। बहुत बिलिंग में लाइन भी थी तो हम आ गए स्ट्रीट रोड मार्केट पे। यहाँ पे हमने दिवाली के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड सब इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदे। हालांकि यहाँ पे चाइनीज़ भी बहुत थे। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी शॉपिंग की। जितना हमने घर से लिस्ट बनाया था सब ले लिया और जब हम ऊपर आए फ्लैट पे अपने तो हमने रियलाइज़ किया चाबी तो हमारी कार में ही छूट गई है। वेट करें जब चाबी आएगी तो हम घर के अंदर जाएंगे। तब तक हम यहीं खड़े हैं और चाबी जो है वो गाड़ी में है। मम्मी अब ये क्या कर रही हैं? मैं चेक कर रही हूँ कि हम जितना सामान लेकर आए थे सब सामान है तो कुछ तो नहीं गया। तो अब दिखाना चाहेंगे सारा सामान? नहीं दिखाना तो पड़ेगा। ये सब गाड़ी के लिए है। ये मुझे बहुत क्यूट लगी। ये लाइट्स फोटोज इतनी अच्छी आ रही थी कि हमने एक एक करके हम सब ने अपनी अपनी फोटोज क्लिक कराई यहाँ पे इस बैकग्राउंड के साथ। Thanks for watching this video. I hope that you do like this video. I will meet you in the next video very soon. Take care. Bye-bye. Shabakhe.